हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकैब सीख रहे हैं। वोकैब में हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है पगनेंट। पगनेंट फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। पगनेंट कहते हैं तीखे शब्द बोलना, ताना मारना, इसका मीनिंग होता है। इसके दो मीनिंग हैं। कॉजिंग, फर्स्ट मीनिंग है कॉजिंग और हैविंग अ वेरी शार्प फीलिंग ऑफ सैडनेस, दुखी बहुत तेज़ भावना का कारण होना, दुखी बहुत तेज़ फीलिंग होना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसका पियर्सिंग एंड कीन, ताना मारना शब्दों का। जो तीखे शब्द बोलता है अपनी बातों से, तीखे शब्द बोल के किसी को कटु शब्द बोलकर उसे आघात पहुँचाता है, दुख पहुँचाता है। ओके फ्रेंड्स, सिनोनिम है इसका पीक्वेंट, पंजेंट, डेशी। एंटोनियम है डल। ओके फ्रेंड्स, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मार्क जरूर करिएगा। पीक्वेंट, पंजेंट, डेसी इसके सिनोनियम है, एंटोनियम है डल। द मैंस पगनेंट वर्ड स्टक द वेरी हार्ट ऑफ द मैटर, उस आदमी के तीखे शब्दों ने उस मामले को लेकर दिल को बहुत आघात किया। उस आदमी के तीखे शब्दों ने उस मामले को लेकर दिल को बहुत आघात किया। ओके फ्रेंड्स, कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, दुखी भावना का कारण होना, दुखी भावना होना। द मोन्यूमेंट इज़ अ पगनेंट रिमाइंडर ऑफ दोज हु डाइड इन द बार, द मोन्यूमेंट इज़ अ पगनेंट रिमाइंडर ऑफ दोज हु डाइड इन द बार। ये स्मारक इज़ अ पगनेंट रिमाइंडर ऑफ दोज हु डाइड इन द बार, ये स्मारक जो युद्ध में शहीद हो गए हैं उनकी मार्मिक याद दिलाता है। ये स्मारक, ये मोन्यूमेंट कहते हैं स्मारक को, ये स्मारक जो युद्ध में शहीद हो गए हैं उनकी मार्मिक याद दिलाता है। इट मीन्स ये दुख की भावना को शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है प्रोविंशियल। प्रोविंशियल कहते हैं छोटी सोच रखने वाले को। प्रोविंशियल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। हैविंग ओपिनियंस एंड आइडियाज दैट आर ओल्ड फैशन एंड सिंपल, ऐसे विचार और राय जो ओल्ड फैशन और सिंपल है। प्रोविंशियल एटीट्यूड, प्रांतीय धारणा। ओके फ्रेंड्स, नैरो माइंडेड इसका क्या हुआ? नैरो माइंडेड सिनोनियम हुआ जिनकी छोटी होती है, सीमित होती है। ऐसे व्यक्ति को जिनकी सोच छोटी होती है उन्हें नैरो माइंडेड कहते हैं फ्रेंड्स, और जिनकी सोच बड़ी होती है उन्हें ओपन माइंडेड कहते हैं, ब्रॉड माइंडेड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो खुली सोच के होते हैं। एंटोनियम हुआ सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड इंपॉर्टेंट है वर्ड फ्रेंड, मार्क जरूर करिएगा। जटिल कहते हैं इसको, जटिल, गतिशील, जो विवेकी होता है उसके लिए हम सोफिस्टिकेटेड वर्ड का यूज़ करते हैं। हर पेरेंट्स आर सो प्रोविंशियल दैट दे बिलीव दे शुड अरेंज हर मैरिज, हर पेरेंट्स आर सो प्रोविंशियल दैट दे बिलीव दे शुड अरेंज हर मैरिज। उसके पेरेंट्स आर सो प्रोविंशियल, इतने छोटी सोच वाले थे, इतने प्रांतीय थे, धारणा थी उनकी दैट कि दे बिलीव, उनका मानना था दैट दे शुड अरेंज हर मैरिज, कि उन्हें उसकी शादी अरेंज करानी चाहिए, उन्हें उसकी शादी करा देनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमने कुछ आज ये वर्ड सीखे हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के। वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मार्क जरूर करिएगा और नोट डाउन करते रहिए अपनी नोटबुक में। ओके फ्रेंड्स, वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।